नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बस सेवा, यहां तक कि और भी कई सरकारी सेवाएं हैं जो बिल्कुल फ्री मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं वो कौन सा राज्य है, और नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर, फिर धोखेबाजी पर उतर चुका है चीन, क्योंकि LAC पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 40,000 सैनिकों की तैनाती करने वाला है चाइना, और भी बहुत कुछ होने वाला है तो पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जो बच्चों के स्कूल हैं वो सितंबर से चालू कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, स्कूल खुलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक अमेरिका में बंद होगा या नहीं, ये एक सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार चाइना की हरकतों से बैन का फैसला ले सकती है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने दो चीनी हैकरों पर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी चुराने का आरोप लगा दिया। जी हाँ, आपको बता दें, चाइना के जो हैकर हैं वो जितने भी देश में कोरोना की वैक्सीन बन रही है उन सबका डाटा चुराने में लगी है। और अगली बेहद बड़ी खबर की, अब कैसे आप बिना पैसे रेलवे का कन्फर्म टिकट बुक करा सकते हैं, जिसकी हम आपको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, USA ने चीनी दूतावास बंद करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद चीन ने पलटवार करने का बेहद बड़ी धमकी दी है, इसके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने मोटर वाहन एक्ट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें, जो नई कार होती है अब उसमें आपको एक्स्ट्रा नई टायर नहीं मिला करेगी, और साथ ही और भी बड़े बदलाव हुए हैं जो हम आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बकरीद आने वाला है, और सरकार ने इसके लिए एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर दिया है कि इस बार आप बकरीद मना सकते हैं या नहीं मना सकते, इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर, जी हाँ, आपको बता दें, राम मंदिर का शिलान्यास 5 तारीख को रखा गया है, तो इसी दिन से राम मंदिर बनने लगेगा। इसके साथ ही और भी बहुत सी जानकारियां आपको देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, BSNL कंपनी जो है वो अब आप सबको 20 GB डाटा देगा, वो भी एक दिन में, तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये ऑफ़र आप सबको मिलेगा। अगली बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बनी है कोरोना की, वो कब तक भारत में आएगी और कीमत कितनी होगी, आप लोगों को कैसे कोरोना की दवाई लेनी है, पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर जो है हमने आपसे पूछा, वो राज्य जहाँ बिजली, पानी, बस, शिक्षा और सरकारी सेवाएँ सब फ्री मिलती है, कौन सी है? तो दोस्तों, आपको बता दें, वो राज्य हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जहां से ये सब सर्विस फ्री मिलती है। अगली बड़ी खबर, भारत और चीन सीमा के बीच स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बहुत से बड़े बड़े अधिकारी की बैठक हुई, साथ ही बहुत सी बातचीत हुई, लेकिन आपको बता दें, इस चीज़ का यहाँ पर कोई हल नहीं निकला, और यहाँ पर चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उनकी हरकतों से लगता है कि चीन LAC पर स्थिति सामान्य ही नहीं करना चाहता। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 40,000 सैनिकों की तैनाती इसी बात की ओर इशारा करती है। जी हाँ, चीन ने 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं, और चीन कब हमला कर दे इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे का टिकट बिना पैसे कैसे बुक करना है, तो आप सभी को बता दें, IRCT की तरफ से एक स्कीम निकाल दी गई है, जिससे कि आप सभी बिना पैसे का टिकट बुक करा सकते हैं, वो भी कंफर्म। जी हाँ, आपको बता दें, IRCT के अर्थशास्त्र प्राइवेट लिमिटेड के पायलट प्रोजेक्ट के ई-पे लेटर के साथ करार किया हुआ है कि आप सभी से टिकट बुकिंग के 14 दिन बाद आप सभी से पैसा लिया जाएगा, जिससे कि आप सभी को कोई भी दिक्कत, परेशानी ना उठानी पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये सारा प्रोसेस ई-पे लेटर से ही करना है। तो दोस्तों, रेलवे की ये सर्विस आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को होने वाला है, इसी को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर है। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि के
कोसा अध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं और आपको बता दें इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में सामाजिक दूरी बनाए रखने की वजह से 150 से 200 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंसान यहाँ पर आ भी नहीं सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें इस मंदिर का आकार बढ़ा दिया गया है। अब इस मंदिर का आकार 84,600 फीट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें पहले 20,000 भक्तों की क्षमता थी, लेकिन अब एक साथ 50,000 भक्तों की क्षमता कर दी गई है, तो एक साथ 50,000 लोग पूजा करेंगे, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगली बड़ी खबर आप सभी के बच्चे स्कूल जाने से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें 5 सितंबर की ऐसी तारीख रखी गई है जब आपके बच्चे के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन आपको बता दें ये फैसला आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आपको ये भी बता दें सरकार ने 5 सितंबर तारीख तय किया है, लेकिन ये फाइनल नहीं, उस समय कोरोना की स्थिति देखते हुए ही फाइनल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने 2 चीनी हैकरों पर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी गुप्त जानकारी चुराने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये हैकर चाइना के हैं। आपको बता दें अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को 2 चीनी हैकरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के कई देशों की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी गुप्त जानकारियां और बौद्धिक संपदा चुराने का आरोप लगा दिया है, और ये भी बताया है कि ये हैकर चीनी सरकार के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर ईद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें ईद उल अजहा मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है, और इस साल कोरोना के संकट और सावन को देख उत्तर प्रदेश की सरकार बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए नियम जारी कर दिया है। जी हाँ, किसी भी जगह सामूहिक भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, अगर ऐसा किया तो जेल के साथ आप सभी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।